इस, दो, दो दो game, पहले जो एजेंसी जो थी वो जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग के नाम पर वो एजेंसी थी जो कंपनी थी जिस कंपनी ने इनको लगाया था पहले उनका रेट जो था ये जो गार्ड है गार्ड का चौदह हजार एक सौ बीस गनमैन का जो रेट था जो विदाउट गनमैन जो ए के जो लोग थे जो ए थे उनका दस हज़ार एक सौ बीस रुपये रेट था इस पर ये लोग खुश थे हालांकि इनको तीन सौ रुपया चार सौ रुपये का एक दिन का बनता है लेकिन आज जो दिहाड़ी जो है मजदूर की दिहाड़ी जो है वो छः सौ रुपये दिहाड़ी है लेकिन ये तीन सौ रुपये में भी ये काम कर रहे थे खुश थे लेकिन इसके बाद यूटी बनने के बाद ये जो नई कंपनी जो बम्बे से जो आई है ये सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी ब्यूरो इसका नाम है सी सी आई एस का नाम है इन्होंने गनमैन की जो तनख्वाह जो है वो कानवे सौ कसठ कर दिया जबकि चौदह हज़ार एक सौ बीस थी उसकी कानवे सौ कसठ कर दिया अभी और कटौती करने वाला है और उसके बाद जो ए टी एम की जो तनख्वाह थी दस हज़ार एक सौ बीस थी उसकी ध्वंजा सौ निन्यानवे रुपये जो है उसकी इन्होंने जो तनख्वाह की है इसलिए ये जो लोग हैं ये गरीब लोग हैं ये एक तीन सौ चार सौ रुपये के मुलाजम हैं और इनकी जो जोहा दो सौ ढाई सौ रुपया डेली का पर डे का इनको पड़ रहा है इतनी बड़ी जो जाति है इनके साथ की गई है जिसे कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो सरकार है वो बिल्कुल नकम्मी है और सोई हुई सरकार है उसकी सरकार की तरफ कोई सरकार जो है इनके तरफ कोई ध्यान नहीं है एक तरफ से अन्प्लाइड है इनके पास कोई नौकरियाँ नहीं है हमारे बच्चे जो है डिग्रियाँ करके वो बैठे हुए हैं कोई नौकरी नहीं है अगर ये छोटी मोटी नौकरी दस हज़ार या पाँच हज़ार रुपये नौकरी ये करके आठ हज़ार रुपये नौकरी करके गुजारा करते हैं तो इनके साथ ज्यादा कर रहे हैं मैं गवर्नर साहब से यह कहना चाहूँगा कि मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नर साहब के गवर्नर साहब इससे पहले तो ये जो जम्मू कश्मीर जो यहाँ की जो ये बिल्कुल अपनी बात पर अड़े रहे और बिल्कुल इनके बैंक अगर बंद हो जाए और बिल्कुल आप यह मत सोचो कि यह लग गया यह काम कर रहा है यह नहीं काम कर रहा जो काम कर रहे हैं उनको भी बाहर बुलाओ एक आप इतनी बड़ी आप आप इतनी बड़ी हड़ताल करें कि जिस हड़ताल में हमें रोड ब्लॉक करनी पड़े हमें इनके पुतले फूकने पड़े आज हमारा ये पहला दिन है ये कम लोग आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लाएंगे और हमें रोड भी ब्लॉक करनी पड़ेगी हमें इनके पुतले भी फूकने पड़ेंगे ये जो बम्बे की जो कॉम्पड़ी है जिसे जहाँ पर आके गुंडागर्दी की है गिरदारी की है हमारे लोगों के साथ गुंडागर्दी की है हम मरे हुए नहीं हैं जहाँ के लीडर जो हैं हम सब लीडरों को आपके साथ खड़ा करेंगे सब लीडर आपके हक में बोलेंगे मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नर साहब को कि फौरी तौर पर इंक्वायरी की जाए इसकी क्या जो जम्मू कश्मीर एक्स सर्विस मैन जो लीग थी क्या वो चौदह हजार एक सौ बीस रुपया इनको प्रखवा दे रही थी क्या नहीं दे रही थी गनमैन को और एटीएम को दस हजार एक सौ बीस रुपया दे रही थी और ये जो नई सी आई एस बी कंपनी जो सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी ब्यूरो गनमैन का जो है वो इकसठ सौ इक्यानवे कर दिया और एटीएम का अठवंजा सौ नवे रुपए कर दिया इनकी इंक्वायरी की जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त सक्ष कार्रवाई की जाए वरना यहाँ के जो ए और गनमैन जो लोग हैं इन्हें ना हम इनको बैठे देंगे ना ये बैठने के लिए तैयार हैं हम हर गिर्ज हर तरह से जो है इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं है हमने पैंतालीस एक दिन एक गाड़ी वाला आता है सारी की उठा कर है और तकरीबन 200 सौ वर्दी लेकर आता है उसका कोई नाप तोल कुछ नहीं है किसी की पेंट छोटी है किसी की पेंट बड़ी है किसी के सिर टोपी नहीं है किसी का बेल्ट छोटा है और दे दिया हमारे को इकट्ठा करके एक आदमी इकट्ठा किया और दे दिया हमारे को लो जी आप पहनो वो कहाँ लगाए हम और टेलर मास्टर के पास गए हैं उसको फिट कराने के लिए उसने हमारे से तीन सौ ले लिया उस कंपनी को हमने पैंतालीस तीन सौ रुपया हमने दे दिया अपने वर्दी को फिट करने के लिए दे दिया अब आप क्या चाहते हो हम ये चाहते हैं साहब हमारे साथ न्याय किया जाए जो हमारी तनख्वाह पहले जो दे रहे थे वो तनख्वाह हमारे को दोबारा दी जाए वापस दी जाए अगर आपकी डिमांड नहीं मान जाती, जाती तो आप क्या साहब हम रोड़ हम रोड पे हड़ताल करेंगे साहब हम गरीब आदमी हैं हमारी कब से पेंशन आ हमने करगल कल तक हमने लड़ाई की है साहब हमने लंका तक लड़ाई हुई है और उस टाइम पर थी तब आज मजबूरी से हम यहाँ पर अगर खड़े हुए हैं उस आज का एक फौजी आदमी एक करोड़ रुपया लेकर आ रहा है और एक आदमी जब हम आए थे हमारे को टोटल सात हजार रुपया मिला था आम, मिला था हमारे को तो हमारे बच्चे भी हमने पाले हैं उसकी मजबूरी से हम यहाँ पर ए और हम जगह जगह दरबार ठोकरे खा रहे हैं